सलमान खान को लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों के बीच सिंगर मिका सिंह एक्टर के सपोर्ट में आ गया है। एक लाइव शो के दौरान उन्होंने सलमान के लिए कुछ लाइंस डेडिकेट की। उन्होंने कहा, भाई मैं, भाई तू फिकर ना कर, आप उनको बता दे कभी हो गई फंटर। सलमान की कई फिल्मों में आपको बता दें कि मिका सिंह ने अपनी आवाज दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान के साथ मिका सिंह बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। मिका ने एक्टर की फिल्मों में कई गानों को अपनी आवाज भी दी है। इस लिस्ट में जुम्मे की रात, आज की पार्टी, 440 वोल्ट जैसे गाने शामिल हैं। वहीं लॉरेंस गैंग से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। कुछ समय पहले उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग भी की गई थी। हाल ही में एक्टर के करीबी और एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सलमान खान की सुरक्षा अब और भी बढ़ा दी गई है। लॉरेंस गैंग चाहता है कि काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान राजस्थान के बिश्नोई समाज से माफी मांग ले। काला हिरण शिकार केस अक्टूबर 1998 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। तब वहां फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को रात 9:30 बजे के करीब बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की भी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के मेंबर ने ली। एक शख्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो भी सलमान की हेल्प करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बता दें कि सलमान और बाबा सिद्दीकी एक दूसरे के बेहद करीब थे। मर्डर के बाद सलमान परिवार के साथ सिद्दीकी के घर पहुंचे थे। सिद्दीकी ने सलमान और शाहरुख की दुश्मनी खत्म कराई थी। जब सलमान को हिट एंड रन केस में सजा सुनाई गई थी तो बाबा सिद्दीकी ही उनकी मदद के लिए कोर्ट पहुंचे थे। सिद्दीकी सलमान के हर अच्छे और बुरे वक्त में साथ रहते थे। 3 दिन पहले सलमान खान को भी दोबारा से जान से मारने की धमकी मिली थी। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मिली थी। धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया था। वहीं मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरे मैसेज में लिखा था, इसे हल्के में मत लीजिए, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। वहीं आपको बता देते हैं कि आखिर सलमान खान से लॉरेंस की क्या दुश्मनी है। देखिए, सलमान पर आरोप है कि 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जंगलों में काले हिरण का उन्होंने शिकार किया था। वहीं सलमान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तबू और नीलम कोठारी पर भी ये आरोप लगे थे। वहीं बिश्नोई समाज ने तब सलमान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। सलमान को इसके लिए जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में बेल मिल गई। वहीं इसी के चलते गैंगस्टर लॉरेंस सलमान खान को मारना चाहता है और वह कोर्ट में पेशी के दौरान इसकी धमकी भी दे चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।